रुक कर लेते हैं दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन की बेटी सौम्या जैन ने मोहल्ला क्लिनिक योजना के सलाहकार पद से इस्तीफा दे दिया है। सौम्या जैन ने अपना इस्तीफा भेज दिया है। सत्येंद्र जैन की बेटी है सौम्या जैन। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन की बेटी सौम्या जैन ने अब इस पद से अपना इस्तीफा दे दिया है। आपको बता दें कि बहुत ही गोपनीय तरीके से इनकी नियुक्ति की गई थी मोहल्ला क्लिनिक प्रोजेक्ट में सलाहकार के पद पर सौम्या जैन की, जिसके बाद बीजेपी और कांग्रेस ने इस नियुक्ति को लेकर तमाम सवाल खड़े किए थे। मामले ने तूल पकड़ा तो इस वक्त खबर आ रही है कि सौम्या जैन ने इस पद से इस्तीफा दे दिया है। अजीत श्रीवास्तव हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अजीत, एक तरफ आज हमें पता है कि 21 विधायकों को ईसी के सामने पेश होना है ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के मामले में, वहीं दूसरी तरफ सवाल खड़े हो रहे थे कि सौम्या जैन की नियुक्ति कैसे हुई है इस पद पर, और अब सौम्या जैन ने इस्तीफा दे दिया है। बिल्कुल साफ तौर पर है कि अभी ऑफिशियल तौर पर सत्येंद्र जैन ने खुद बताया कि सौम्या ने अपना इस्तीफा दे दिया है, जो एडवाइजर पद पे काम कर रही थी मोहल्ला क्लिनिक के सेल में। तो साफ तौर पर जिस हिसाब से विवादों में घिरा हुआ था पूरा मामला, सामने आने के बाद से सत्येंद्र जैन ने खुद यू टर्न लेते हुए ये कहा कि सौम्या का इस्तीफा ले लिया गया है। लेकिन वही अगर 21 संसदीय सचिव की बात करें तो वो 3 बजे आज उनकी सुनवाइयां शुरू होंगी। तमाम दलीलें अब 21 संसदीय सचिव वहां पर अपनी पेश करेंगे, जिस तरह से ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का मामला है। तो लेकिन एक बड़ी खबर यही है कि सत्येंद्र जैन ने जिस तरह परिवारवाद पे निशाना उठा रहे थे विपक्षी और तमाम लोग, तो वही मुंह बंद करने के लिए सत्येंद्र जैन ने अपनी बेटी का इस्तीफा ले लिया है और कहा कि हमने इस्तीफा मंजूर कर लिया है। स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन की बेटी सौम्या जैन ने इस्तीफा दे दिया है, जो उन्हें सलाहकार के पद पर उनकी नियुक्ति हुई थी मोहल्ला क्लिनिक में, उस पद से उन्होंने इस्तीफा दे दिया है।